You have no idea what you are missing, sir. आज तो जितना ग्रोथ शेयर्स में है सर उतना कहीं नहीं, ना फिक्स डिपॉजिट में, ना बैंक डिपॉजिट में, ना ज्वेलरी में, ना गोल्ड में. रेनी डे के लिए सबसे अच्छी सिक्योरिटी है सर तो वो है शेयर्स. शेयर मार्केट ने मारा है मेरे इकलौते बच्चे को, शेयर मार्केट ने मारा है. कितना होनहार, कितना मेहनती बच्चा था, बस ये शेयर खरीदने की बेचने की लत लग गई उसको और सब चौपट हो गया, सब चौपट हो गया. अपने FDR तोड़ तोड़ करके उसने शेयर्स में लगा दिया. मुझसे छुप छुप करके लोगों से यहां से वहां से उधार लेना शुरू कर दिया और यही कर्ज उसके लिए जानलेवा साबित. हम जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ खास स्टॉक्स और शेयर्स पर दाव लगाते हैं तो एक तरह से हम लक्ष्मी जी के चरणों को धोते हैं, उनका सम्मान करते हैं और भीतर आने के लिए उनका आह्वान करते हैं. यानी अपने देश और समाज की तरक्की और समृद्धि के लिए जमीन तैयार करते हैं. Damn it, Devesh, whom are you kidding? तुम ये सब इसलिए नहीं कह रहे हो कि तुम्हें उन छोटे छोटे शेयर होल्डर्स की फिक्र है जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी भर की जोड़ी हुई रकम तरह तरह के शेयर्स में लगा दी. तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें शेयर बाजार के उन गिने चुने बड़े बड़े खिलाड़ियों और बड़े बड़े ब्रोकर्स की फिक्र है जिनके साथ कहीं ना कहीं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी भी जुड़ी. Now you are getting personal, Samir. I am not being personal, God damn it. I am being factual. हकीकत बयान कर रहा हूं मैं. क्या बात होगी बेटा, सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक है माँ, बस क्या है कि मैंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया है आज से, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें सुबह ही अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए. सॉरी माँ, तुम और विनी पहली बार मेरे साथ रहने आई और ये सब हो गया. अरे पगले, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ. जब तक तेरे आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा तब तक तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा. और अगर मेरी खातिर मेरे लिए अपनी मान हानि करके मुझे महल में भी बिठाएगा तो उस बात की मुझे खुशी नहीं होगी बेटा. तो चिंता मत कर, खुशी तो इस बात की है कि हम सब साथ हैं. मिस्टर हेगड़े, कम से कम 600-700 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और सिर्फ आज रात का वक्त है आपके पास. क्या मतलब? मतलब ये कि कल पहले एडिशन में ये स्टोरी नहीं निकली तो फिर कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं रह जाएगा आपके पास. PR का रहस्य रहस्य रह जाएगा. चोर भाग चुका होगा और उसकी लंगोटी आपके हाथ में रह जाएगी. वो कहावत तो आपने सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. काश मैंने इतनी जल्दबाजी में रिजाइन नहीं किया होता. ब्लास्ट! मैं कुछ कहूं? हाँ बोलो. तुमने रिजाइन नहीं किया है. क्या मतलब? वेल, हियर इज योर रेजिग्नेशन लेटर. क्या बात हुई, गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था हम ठीक कर रहे हैं क्या. क्या मतलब? शीला, हम नहा गए एक अनजाने अनपहचाने आदमी की इंफॉर्मेशन पर, वो भी टेलीफोन पर दी गई इंफॉर्मेशन के बिना पर,
ये सनसनीखेज खबर हमारे मॉर्निंग एडिशन में कवर करने को तैयार है, इजंट इट? अगर ये बात सच नहीं निकली तो? मैं समझी नहीं। क्या ये बात संभव नहीं कि जिस शख्स ने मुझे कॉल किया उसकी अपनी कोई दुश्मनी नहीं हो जेरी से? या फिर इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो एक क्रैंक कॉलर नहीं था? मेरा मतलब है कि अगर उसने महज मस्ती के लिए यानी मजा लेने के लिए फोन कॉल किया हो तो? यू नो समथिंग, मैं खुद भी अभी अभी तुमसे यही बात कहने वाली थी। यू नो शीला, अगर ऐसी बात निकली तो आई हैड इट। देवेश मुझे हरगिज नहीं बख्शेगा। आज के टकराव के बाद तो उस मौके की तलाश में होगा कि कैसे मुझे धक्के देके, यू नो, आई विल बी थ्रोन आउट इन डिसग्रेस। तो क्या करना चाहते हो? कम वक्त, वक्त भी तो नहीं रहेगा बिल्कुल। हम अपना फ्रंट पे ज्यादा डिले भी तो नहीं कर सकते। ओ गॉड, उस आदमी ने कहा था जेडी गैर कानूनी तौर पर जुटाई गई उस रकम को सुबह ही सुबह बैंक में जमा करने वाला है। इफ ही डज दिस, फिर तो हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो अगर इस स्टोरी में सच्चाई है तो हमें एकदम कदम उठाना चाहिए, नहीं तो हमेशा के लिए हमें अपनी जबान बंद कर लेनी चाहिए। और उस हालत में यही बेहतर होगा कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर देवेश के टेबल पर वापस कर दिया जाए। तुम्हारा मन क्या कहता है? मेरी गट फीलिंग तो ये है कि वो आदमी सच कह रहा था। यू नो, जब उसने मुझे टेलीफोन करके पूरी बात बताई तो मेरा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ये था कि मैंने रिजाइन करके गलती कर दी, एज इफ मैं किसी स्टोरी का क्लाइमेक्स लिख रहा था और किसी ने मेरे हाथ से कलम छीन लिया। समीर, अगर तुम्हारी अंदर की आवाज यही कहती है तो हम सब उसी के मुताबिक काम करेंगे। अच्छा हुआ देवेश भी नहीं है, बट वी ओनली गॉट टुनाइट, सो लेट्स गो। हाँ समीर, क्या हुआ? अच्छा, मुझे 15 मिनट दे दो, मैं फौरन पहुंचता हूँ। हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अभी देती हूँ। सुनो ना, सुनो ना, फोन है डेड। हेलो, ये सर। हाँ सर, श्योर, मैं 5 मिनट में निकलता हूँ। ये सर, दफ्तर पहुँचना है फौरन, मुझे मीटिंग है। गॉड, लगातार एंगेज रहा है। सिर्फ हेडलाइन और लीड स्पेस की जगह रख लो जो हम 11th आवर पे डिसाइड कर सकते हैं। कम से कम 4 कॉलम स्प्रेड तो रखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैं अभी रेडी कर रहा हूँ। हेलो, यस मैडम, मैं न्यू वर्ल्ड टाइम से बोल रही हूँ। मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी लेकिन लाइन कट गई थी और फिर बिजी आती रही। जी जी, मैं मिस्टर जगदीश देसाई का एक्स डायरेक्टरी नंबर मांग रही थी आपसे। जी जी, वो सही है। आप सुनिए तो मैडम, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट इमरजेंसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी हम लोग सुबह के अखबार में छापने वाले हैं जिसके लिए मिस्टर जगदीश देसाई का कॉमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। जी आप सुनिए तो, प्लीज़ लिसन टू मी। कैन आई स्पीक टू योर सुपरवाइज़र? ओह आई सी, आप ही सुपरवाइजर हैं। मैडम प्लीज़ हेल्प मी आउट, आई मीन कोई तो रास्ता होगा। वॉट, राइट अ लेटर टू द जनरल मैनेजर? ओह गॉड, फॉरगेट इट। बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं है। कहती है कि अगर एक्स डायरेक्टरी नंबर चाहिए तो राइट अ लेटर टू द जनरल मैनेजर, या तो जो रेगुलर नंबर है डायरेक्टरी में उसी पर ट्राई करो। तो तुम ट्राई करो, शायद वही बात बन जाए। ओके फ्रेंड्स, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। इस तार पर टेलीफोन के सॉकेट में अटैच करना पड़ा है,
एंड देन वी आर रेडी फॉर द रिकॉर्डिंग। ब्रदर से रेडी करता हूँ मैं। मनोज मनोज जरा एक मिनट के लिए बैठ कर। क्या हुआ? एक मिनट के लिए बैठ कर प्लीज। क्या हुआ भाई? तुम भी रुक जाओ एक मिनट के लिए। रवि और वरुण तुम भी। क्या हुआ? फ्रेंड्स मेरे लिए एक बात आप सबसे कहनी बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगे। हम जो ये स्कूप पब्लिश करने वाले हैं उसके लिए मुझे अंदर से लगता है कि वो सच साबित होने वाला है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है इसमें कुछ भी ना निकले, एंड गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हुआ तो ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल। ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा कि उस स्थिति में हम सब इस पेपर से कचरे के डब्बे की तरह बाहर फेंक दिए जाएंगे। शायद कोई और अखबार हमें बहुत दिनों तक छूने को तैयार भी ना हो। इसलिए आई वॉन्ट टू आस्क यू फॉर दिस वेरी रीजन कि इस आखिरी घड़ी में मैं आप लोगों से पूछना जरूरी समझता हूं कि आर यू ऑल श्योर दैट यू वॉन्ट टू गो अहेड विद इट? What's your problem, man? What's your problem, huh? Forgive me if I talk on your behalf. Lekin I'm sure ki mera size aur weight dekhte hue main liberty aap logon se le sakta hu aur aap log mind nahi karoge. Sunil, hum sab jitne bhi log is room mein maujood hain, jab hum sab ne is kashti mein pair rakhe the to hame pani ke bahar ka andaaza tha. Hum sab दिमाग में तय कर चुके थे वी सिंक टुगेदर देन एम आई राइट राइट फॉर राइट सो शैल वी गेट बैक टू वर्क नाउ? ओके नाउ एग्जैक्टली कितना और वक्त हमारे पास मनोज? प्रिसाइसली 55 मिनट। हमारे ऑफिस में कहीं कोई ऐसी बड़ी घड़ी है जिसे हम यहां ला सके और जिस पर लगातार नजर पड़ती रह सके? यस देयर इज वन। कंप्यूटर रूम में एक बड़ी क्लॉक है, वो लेकर आ। गो अहेड। या फोक्स नाउ द सेकंड थिंग इज क्या हम में से कोई भी किसी ऐसे शख्स को जानता है जिसको इस बात की बहुत अच्छी जानकारी हो कि ये ब्रोकर्स लोग जब सीधे अपने लिए या क्लाइंट्स के लिए किन्हीं शेयर्स पे दाव लगाते हैं तो उस रकम का मोबिलाइजेशन कैसे होता है? क्या नगद अदायगी करनी पड़ती है या उधार चलता है? और अगर उधार चलता है विच सीम्स टू बी द केस तो उसका तरीका क्या होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है वगैरह वगैरह। खासतौर पर यह BRs आई मीन बैंकर्स रिसीट्स का ऑपरेशन कैसे होता है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू उसके लिए हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास सिर्फ 35 मिनट का वक्त रह जाएगा और शैल्वी से 34 मिनट का वक्त रह जाएगा। सो डू वी हैव एनीबॉडी जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर यहां आ सके और हमें 5 मिनट से कम में पूरी बात समझा सके? आई हैव अ फ्रेंड, अभी काफी रात हो गई है बट मामला है, ट्राई करती हूं। प्लीज गो अहेड। यस हियर इट इज। ओह ब्रावो, इसे यहां। ओके नहीं नहीं ऐसा करो यहां इस पर रख दो तो सबकी नजर पड़ती रहेगी। फोक्स अभी बजे हैं 2:07, हमारे पास 3 AM की टाइम लिमिट है। सो द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। मनोज तुम लेआउट पे लग जाओ। रवि यू हैंडल ऑल द दिल्ली कॉल्स। वरुण तुम बॉम्बे में जगदीश देसाई का रेजिडेंस ट्राई करो, क्योंकि एक्स रिलेटेड नंबर नहीं है इसलिए रेगुलर नंबर ही ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन शीला के कॉल खत्म हो जाने के बाद। शीला आर यू थ्रू? लग गया लग गया। फोन बज रहा है अनिला, अनिला फोन बज रहा है। Oh my baby, my baby, come on darling, my baby, my darling, my baby, my baby, don't cry darling, don't cry. Hello. My baby, oh my baby. Sheila. Oh my baby. क्या हो गया? My baby. इस वक्त? My baby. हाँ है यहीं पर। Oh my baby. Oh अभी देता हूँ। And? हाँ. शील का फोन है। क्या? कुछ अर्जेंट बात है। Come on, Sheel. What is this, yaar? You woke my baby up, yaar. I'm sorry, Annie. I'm really sorry, but darling, तुम्हें यहाँ जल्दी पहुँचना पड़ेगा। Now? क्या कह रही हो? Look at the time. Look, मैं तुम्हें सब explain करती हूँ। तुम 10 मिनट में दफ्तर आ जाओ, please. क्या हुआ? Look, it's a matter of life and death for me. What? ओह गॉड, ये मुझे क्या हो गया? ये तो मैं समीर का डायलॉग यूज करने लगी। कुछ नहीं, बस तुम 10 मिनट में आ जाओ। But my baby? Oh, forget your baby along, okay? क्या हुआ? You just get the car out.
ओके गाइस, अब मेरी एंड आई एम श्योर हम सब की समझ में आ गया है कि ये पूरा ऑपरेशन कैसे होता है। माय गॉड, धांधली की तो बहुत गुंजाइश है इसमें तो। आई मीन वन कैन रियली प्ले हैवॉक इन द मार्केट इफ वन इज क्रूकेड इनफ एंड हैज द गट्स टू डू इट। एब्सोल्युटली। अब हम लोग जब उन बड़ी बड़ी मछलियों के साथ टेलीफोन पर बात करेंगे तो स्लिप करने का कभी अंदेशा नहीं रहेगा। राइट गाइस? थैंक्स अनिला। सॉरी। सॉरी प्रदीप। नो नो। आप लोगों को नींद से उठा के हमने यहां बुला दिया। वुड यू केयर टू हैव सम कॉफी? नो नो नो। योर बेबी इज क्राइंग, यू नो, पुअर थिंग। आई फील रियली सॉरी अबाउट इट, बट वी हैव टू डू इट, यू नो। या या कम। दूध दूध और चाहिए तो अरेंज कर दें क्या? व्हाट डस शी वांट? थैंक्स थैंक्स। प्लीज इन लोगों को गाड़ी पे छोड़ दो। मैं गाड़ी पे छोड़ दूंगी। तुम यही टर्न लेना, हम लोग चले जाएंगे। You have a time bomb ticket. Yes, okay. Okay, sorry for the inconvenience. Thank you. Thank you very much. You have great help. Oh my God. Oh my God. Okay, guys. We have to move on fast. And when I say fast, I mean real fast. Kyunki ab hamare paas sirf 35 minute ka time hai. You know, ek second hamare liye keemti hai. So Sheila, now the real thing. Jagdish Desai in Bombay. Right. As Pradeep said it, we have a time bomb ticking away. Hello? Is it Bombay 3629721? Yes, 3629721, Desai's residence. Oh, we have a car for Mr. Jagdish Desai from Washington, D.C. Pata nahi kya bolti hai, dekhna jara. Hello? कौन पाजे तुम्हाला? I'm calling from Washington DC. There's a car from Mr. Jagdish Desai. कौन बोलता है तुम्ही? No, Hindu, English. पण तुम्ही है कौन? You calling where? I'm calling from the US of A, United States of America. America, yeah. ठहरो, बताता है. Hold. What? Shall I hold? Yes. हेलो। हाँ बरवे साहब, माफ करना आपको जगाया सर, पर यहाँ पर एक कॉल है अमेरिका से, शायद इतना फास्ट बोलती है कि हमारे कुछ समझ में नहीं आता। आप बात कर लीजिए साहब। ठीक है, लगाओ। एक मिनट सर। टॉक। हेलो, इज दैट बॉम्बे 3629721? यस प्लीज। फॉर मिस्टर जगदीश देसाई फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। Who's calling him? Are you Mr. Jagdish Desai? No, I am his PA. PA? His personal assistant. Hold on a moment, please. लगता है उसका PA बोल रहा है, गाड़ी ने जगा दिया उसे। लफ़ज़ है। Go ahead. Hi, Jaggi. How are you, man? Sorry, sir. I am his PA here this side. Menu's calling, sir. आप मिस्टर मेहता बोल रहे हैं या मिस्टर बर्वे? आई एम बर्वे हियर सर, नाइट की ड्यूटी पर मैं ही रहता हूं ना सर। जरा जगदीश भाई को लाइन देंगे प्लीज? वो ऊपर है सर, और ये लाइन ट्रांसफर नहीं हो सकता ना सर, और वो अभी सो भी रहे हैं। पर मुझे एकदम यह टोल में कि डिट्रॉयट ड्रिलिंग का स्टेटस क्लियर होते ही फौरन फोन करो, व्हाटएवर द टाइम। इंस्टेंट डिसीजन लेना अगर हम उसे होल्ड पर रखना है तो। सर आपने उनके डायरेक्ट नंबर पर ट्राई किया? यस किया ना, पर नंबर किधर मिलता है? कौन सा नंबर ट्राई किया सर आपने? वो क्या है 362? नो 3439। उस नंबर में कुछ गड़बड़ है सर, आप 3659927 ट्राई कीजिए सर। हाँ वो एक डायरेक्टरी नंबर है। शायद अभी सेठ जी ना सोए हो, थोड़ी देर पहले ही बाहर से आया ना सर। थैंक यू मिस्टर बर्वे। थैंक यू सर। कौन बोल? मैं अर्जुन दूरदृष्टा। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय सर। दूरदृष्टा, फनी नेम। ओके फ्रेंड्स, राइट नाउ द टाइम इज प्रिसाइसली 2:30 AM। विल नाउ होल्ड द बुल बाय द हॉर्न।
मैं अब जेडी से कुछ सवाल करूंगा। अभी रिकॉर्डिंग का इंतजाम वगैरह तो ऑर्डर में है ना? जगदीश देसाई के साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो एडमिट कर दे, हो सकता है वो साफ इनकार कर दे, हो सकता है वो टेलीफोन ही पटक दे। जो कुछ भी हो, हम सबको उसके बोलने के और टेलीफोन पर बिहेवियर के अंदाज को बहुत गौर से स्टडी करना है, क्योंकि उसी से हमें इस बात का संकेत मिल सकता है कि सच्चाई क्या है। उसके फौरन बाद हम भारत बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सर्वोत्तम को कॉल करेंगे। व्हाट अ सेल्फ फ्लैटरिंग नेम, ओके? वहां भी हमें बहुत गौर से उनकी आवाज, उनके बोलने के तरीकों को स्टडी करना है, और ऐसा ही हम भारत बैंक के सिक्योरिटी सेक्शन के इंचार्ज से बात करते वक्त करेंगे। उनके पर्सनल नंबर तो है ही हमारे पास। मनोज, दो बातें और, हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करके रखनी पड़ेगी, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि एहतियात के तौर पर हमें उनके घरों पर भी नजर रखने की कोशिश रखनी चाहिए, क्या पता स्थिति कब क्या टर्न ले ले। ओके, व्हाट डू यू से? तुम ठीक कह रहे हो समीर, तुम टेलीफोन कॉल्स करो, मैं इन चीजों को संभालता हूँ। विजय को अपने साथ ले लेता हूँ, वैसे पहुंचने वाला ही होगा। आई थिंक आई बेटर मूव नाउ। सो शीला, हियर वी गो, फर्स्ट द बिग बुल हिमसेल्फ, लेट्स होल्ड हिम बाय द हॉर्न्स। हेलो, तुम कौन बोलो छो? Can I speak with Mr. Jack Desh Desai? There's a call for him from Washington DC, USA. Yeah, please hold on a minute. तुम्हें रखी दो। हेलो, इज दैट मिस्टर जैक डैश देसाई स्पीकिंग? आई हैव अ पर्सन टू पर्सन कॉल फॉर यू सर फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी यूएसए। आई जस्ट हैव ऑन अ मिनट सर, आई बी सून विद यू। Go ahead, Mr. Kumar. Go ahead, Mr. Desai. Good evening, Mr. Desai. Good morning. Oh, yes, good morning, sir. I beg your pardon, sir. I'm Naresh Kumar from the International Dispatch and Courier. Sir, I've been appointed the new correspondent for the Southeastern region. Sir, we have monitored your wonderful comments about the liberalization of the Indian economy during a speech at the Indian Stockbrokers Association dinner, sir. Thank you. जगदीश भाई, हम लोग एक सिंडिकेटेड आर्टिकल निकालने वाले हैं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो और दिल्ली में एक साथ। उसके लिए इस सेंसिटिव मैटर पे आपके कमेंट्स चाहेंगे। इट्स रादर अर्जेंट, क्योंकि आर्टिकल कल पब्लिश होने वाला है। टुमारो मॉर्निंग इटसेल्फ इट विल हैव अ कोस्ट टू कोस्ट सर्कुलेशन ऑफ 1.3 मिलियन रीडर्स इन द यूएस अलोन एंड अनदर मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, दिस इज वाइडली बिलीव्ड हियर कि कुछ वीक्स पहले जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो ड्रामेटिक राइज हुआ था, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ था। वी ऑल डू ए जॉब मिस्टर कुमार। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंडियन इकोनॉमी आज बहुत स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। पर इट इज बिलीव्ड कि ये राइज आर्टिफिशियल था, मैनिपुलेट करके किया गया था। मैं समझा नहीं। यही कि कुछ ब्रोकर्स ने कुछ खास खास बैंक से बीआरएस की बिना पर रुपया लेकर कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स पर लगाना शुरू कर दिया, ताकि उनकी वैल्यू बढ़ सके, और इस गर्मा गर्मी में शेयर इंडेक्स जनरली ऊपर चला गया। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बीआरएस से आपका मतलब? बीआरएस, आई मीन बैंक रिसीट्स। उनके मुझे मालूम है बीआर क्या होता है मिस्टर कुमार, पर इसमें गलत क्या है? ये तो आम प्रैक्टिस है। जी हाँ, वो तो सही है सर,
पर हमें पता चला है कि कई ब्रोकर्स ने नकली बीआर जमा करके और रजिस्टर में झूठी एंट्री करा के उन्हीं के लिए स्टॉक्स खरीदने के लिए करोड़ रुपीज उनसे ले लिया और अपने अकाउंट में रख लिया, फिर इसी रुपया से खास खास स्टॉक्स पर दाव लगाया। आई एम सॉरी, आई डोंट नो किसी ने ऐसा किया है। मिस्टर देसाई, वी बिलीव कि आपने भी इसी तरह के बीआर को सिक्योरिटी के तौर पर रखकर भारत बैंक से 600 करोड़ से भी ऊपर रुपया लिया और उसे सेलर बैंक में देने की बजाय अपने अकाउंट में रखा फॉर इन्वेस्टिंग ऑन द स्टॉक्स जिन्हें आप बहाना चाहते थे। सो व्हाट, बैंक को मालूम था ये? यस सर, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये बीआर जाली थे और एसजी लेजर में उनकी एंट्री भी जाली थी। मिस्टर देसाई, आप कुछ बोले नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, बिल्कुल गलत है। एंड नाउ इफ यू डोंट माइंड, मैं अब इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता आपसे। शू था यो? बहुत मोटो प्रॉब्लम थे गयो छे, मारे कई करवो पड़से। सो व्हाट, बैंक को मालूम था ये? यस सर, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये बीआर जाली थे और एसजी लेजर में उनकी एंट्री भी जाली थी। मिस्टर देसाई, आप कुछ बोले नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, बिल्कुल गलत है। एंड नाउ इफ यू डोंट माइंड, मैं अब इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता आपसे। सो व्हाट डू वी से, ही इज गिल्टी? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखा नहीं कैसे चुप हो गया ये कहने पर कि बीआर जाली थे और एसजीएल में एंट्री भी जाली थी। और जिस तरह से फोन पटका है, उसे साफ जाहिर होता है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक गिल्टी आदमी इस तरह बिहेव कर सकता है। आई वंडर कि वो अब क्या कर रहा होगा इस कॉन्वर्सेशन के बाद। आई एम श्योर वो धड़ाधड़ फोन लगा रहा होगा इन बैंकों के बड़े बड़े अफसरों को और उन क्लर्कों वगैरह को जिनकी मदद से उसने सारा घोटाला किया होगा। नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे करने का चांस नहीं लेगा, बल्कि खुद उनके घर उनसे मिलने जाएगा। इस वक्त? यस, इस वक्त। एंगेज, આપણે ફોન ના કરવો જોઈએ, કારણ કે ટેપ કરી શકે છે, ઇટ મે બી ટેપ્ડ। ઓ આઈ સી, એટલે હું પોતા જાઉં છું। યુ ગેટ ધ કાર આઉટ, મેં તૈયાર હોતા હું। વિચ કાર? કોઈ સી બી કાર, ધેર આર 18 ઓફ ધેમ। पर तुम्हें क्या चला? बाथरूम जाऊं छो। ओके, नो, आई डोंट थिंक ही विल गो इन दिस कार। अगर इस मामले में उसका हाथ है तो जरा सा भी चांस लेने की कोशिश नहीं करेगा। ना वो किसी को टेलीफोन करेगा टेलीफोन टैप होने के डर से, और ना ही वो अपनी गाड़ी में जाएगा। मेरे अंदाजे से वो एक टैक्सी में जाएगा और सादे कपड़ों में जाएगा ताकि किसी को कोई शक भी ना हो सके। गाड़ी ना थी होती, टैक्सी लेके आओ, હું કપડાં ચેન્જ કરીને આવું છું। ફાઇન, અગર વો ટેક્સી મે જાતા ઓર ભારત બેંક કે કિસી ટોપ ઓફિશિયલ કે પાસ જાતા હૈ, ઇસકા મતલબ યે હૈ કે હમ સેફલી અસ્યુમ કર સકતે હૈ કે મામલા ગડબડ હૈ। ઇન દેટ કેસ વી ડેફિનેટલી ગો અહેડ વિથ ધ સ્ટોરી। ઇઝ ધેટ ફાઇન વિથ એવરીબોડી? યા, ફાઇન। Really fantastic. Okay, listen buddy, you be on the job, phone karte raho. Hum ye line tumhare liye khali rakhenge. Thank you very much.
ब्रावो। मनोज तुम क्या कोई ज्योतिषी हो? जेडी टैक्सी में निकला और सादे कुर्ते पैजामे में निकला है और लगता है वो भारत बैंक के चेयरमैन मिस्टर सर्वोत्तम के घर की तरफ हेड कर रहा है। आई रिपोर्ट ऑन इंस्टिंक्ट ब्रदर। बदर तो आउट ऑफ टाउन है, छुट्टी पर, एंड नोबडी नोज वेयर। लेकिन उनके एक नए डिप्टी के नंबर के बारे में पता चला है जो इस वक्त एक्टिंग स्टेशन इंचार्ज है। कौन वो है? कोई मिस्टर बर्नार्ड डिसोजा। वो हाल ही में बॉम्बे से यहाँ पे है। बर्नार्ड डिसोजा? लगा लगा बर्नार्ड डिसोजा को फोन लगा। एक मिनट समीर, एक मिनट। सबसे पहले हमें मिस्टर सरोवर से बात कर लेनी चाहिए जेडी के वहां पहुंचने से पहले, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है जेडी उसी से मिलने गया है। ओके शीला प्लीज, मिस्टर सर्वोत्तम का प्राइवेट नंबर तो है ही हमारे पास। रवि आर यू रेडी? यस समीर, एब्सोल्युटली रेडी। Who the bloody hell is this at this time of the night? Who is it? Can I speak with Mr. Sarvottam, please? Who wants to speak with him? Mr. Sarvottam, there's a person-to-person call for you, sir, from Washington, D.C., USA. Go on, Mr. Kumar. Good evening. I beg your pardon. Good morning, Mr. Sarvottam. This is Kumar, the Southeast Asia correspondent for the International Dispatch and Courier. Sir, we are carrying a last-minute special on the major bank fraud discovered in India early this evening. I mean, late last night in India. Bank fraud? What are you talking about? Oh, sir, what are you saying, sir? You don't know? Even when your own bank has been specially mentioned? One of Bharat Bank's old associates had even been subpoenaed by the Federal Court here on government request? What the devil are you talking about? Bharat Bank has been mentioned in what? In the fraud, sir, that on the basis of fictitious BRs and fictitious entries in the SGO, nearly $200 million were given to one Mr. Jagdish Desai, who misused the funds in the stock market. Mr. Sarvottam, did you say something? Look, mister, whomsoever you are, I don't want to say anything. And now, would you vacate the line? Does it mean it's true, sir? I'm not saying any such thing. I'm saying it's false, absolutely false. Now, would you get off the line? And the verdict? Guilty. Yes? जगदीश देसाई साहब आए हैं मिलने के लिए। टाइम देखा है? एक ही दो बजे हैं। खड़ी देखो, 3:10 है। एंड यू आर ड्रंक अगेन फॉर गॉड सेक। सॉरी डार्लिंग, एक्चुअली क्या ना वो क्लब में थोड़ी I'm not interested to know कि तुम कहाँ थे, क्लब में या कहीं और। हेलो, जस्ट अ मिनट, फोन फॉर यू। हेलो, आगर चंडू कोठे से मस्ती करके हाँ? कौन बोल रहा है? बताते हैं चंद्र कुमार चड्ढा। वैसे तुम्हारा शॉर्ट नेम चंदू किसे ना बड़ा सही रखा है, क्योंकि अंग्रेजी में इसे चंदू भी पाया जा सकता है, चंदू। और जिस तरह के चंदू खाने में तुम जाते हो ना, तुम्हें चंदू ही कहा जाए तो बेहतर है ना, समझ रहे हो? व्हाट इज दिस, कौन बोल रहे हैं आप? धीरे बात करो चंदू, धीरे। तुम जैसे चोर के लिए जोर से बात करना बहुत महंगा पड़ सकता है, समझ रहे हो ना? लुक मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ वरना पुलिस को बता दिया जाएगा। हाँ हाँ, पुलिस को भी जरूर कह देना चंदू, जरूर कह देना। जब वो नकली बियाज के बिल्कुल झूठी एंट्री एसजीएल में करा के जेडी को इलीगली 600 से 700 करोड़ रुपया देने के साजिश में हाथ बटाने के बारे में तुमसे पूछेगी ना,
तो आज के इस कॉल के बारे में भी कह देना, जरूर कह देना। चंदू, अरे चंदू बेटा क्या हो गया, कहाँ तो जोर से बोल रहा था, बोलना ही बंद हो गया। भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा ये तो बताइए। भैया देखो, हम न्यू वर्ल्ड टाइम से बोल रहे हैं और सुबह जो स्टोरी छपने जा रही है ना, उनके बारे में जानना चाहते हैं बस। कौन सी स्टोरी, कैसी स्टोरी, ऐसे ऐसे कैसे कुछ छाप सकते हैं आप? भैया चंद्रा, ओफो चंदू, ना ना चंदू चंदू जो भी है तू सुन, हम क्यों छापेंगे कुछ भी? हम तो वही छापेंगे ना जो हमें बताया जाएगा। अब अगर हमें खुद सर्वोत्तम साहब और जगदीश भाई देसाई साहब हमसे कहते हैं कि उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है, सारा घोटाला तुम्हारा किया हुआ है, तो हम कैसे नहीं सुनेंगे उनकी बात? तुम ही बताओ कैसे नहीं सुनेंगे? उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं सर, सब झूठ बोलते हैं। Believe me, I'm just a cog in the wheel. मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। हाँ, मिस्टर सर्वोत्तम जो चेयरमैन है उनके प्राइवेट ऑर्डर्स है ये। अगर अगर अरे आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो सिक्योरिटी डिवीजन के डिप्यूटी जनरल मैनेजर है ना मिस्टर भारता, उनसे पूछ लीजिए। पर काम तो तुमने ही लीगल किया ना? वो सर मैं क्या करता? हाँ, गुड बाय मिस्टर चंद्र कुमार चड्ढा। सर सर Oh God! I need a drink. You go to hell. Bravo, guys! Bravo, all of us. आखिरकार हम लोगों कम से कम एक की विटनेस की टेस्टिमनी तो मिली गई। But then look at the time. It's 2:53. इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए। Damn it, where the hell is Manoj? We must finalize it right now. Sheila, चलो ऐसा करते हैं, जब तक मनोज आए तब तक उस चोर को भी फोन कर लेते हैं। The DGM securities, you know. अब क्या करना? Okay. पर मनोज, the intelligence bureau has no authority to do it on its own. But Bernard, just look at the size of the fraud, यार. कितना बड़ा घोटाला है ये. कल अगर इन लोगों ने एविडेंस मिटा दिया तो सारा किया खराब पानी हो सकता है। But I am helpless. आईबी तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक कि उसको सरकार द्वारा ऐसा आदेश न दिया गया हो। बट एनीवे, आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि हमारे लोग उन पर हमेशा नजर रखे रहेंगे। वेल बर्नार्ड, आई सपोज यू हैव अ पॉइंट। अभी तो फोन रखता हूं, द डेडलाइन इज अबाउट टू एंड। फाइन ब्रदर, बाय। बाय ब्रदर। सॉरी समीर, बर्नार्ड से लंबी बात हुई पड़ी सर जी, हेल्पलेस। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। इस बात का अंदाजा था मुझे, पर कोई बात नहीं, वी स्टिल गो अहेड। कम से कम दोनों के कन्फेशंस तो आए ही हमारे पास। ओह, वी हैव? यस वी हैव। वाओ, सो द स्टोरी इज ऑन राइट एवरीबॉडी? राइट। ग्रेट। ओह माय गॉड, पर जरा घड़ी तो देखो, 3 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। राइट इन द निक ऑफ टाइम। मनोज, तुम्हारा सब कुछ रेडी तो है ना? जी। रवि, तू अपने टेप को ट्रांसक्राइब कराओगे डायरेक्टली टाइपसेटर से और उसका पॉजिटिव बना के सीधे मनोज के पास भेज दोगे। ओके शीला, वरुण तुम लोग जल्दी जल्दी अपने पीसेस लेके उसको टाइप सेट करवाओ एंड गिव देम टू मनोज इमीडिएटली। ओके मनोज, क्या कहते हो तुम? यू राइट ऑन टाइम बड़ी। Yes, I'm still awake. बोलो क्या खबर है? तुम्हारे लोगों ने ठीक से फॉलो किया ना? They are definitely publishing it. We can't take a chance. It'll be too embarrassing. ठीक है, यू इंस्ट्रक्ट द आईबी टू गो अहेड, राइट।
मैंने मिनिस्टर से ऑर्डर्स ले लिए हैं. या राइट. हेलो. हाय समीर, कैसे हो? अरे बर्नर्ड, कहाँ से बोल रहे हो? ऑफिस से दोस्त, ऑफिस से. ऑफिस से? हाउ कम? मनोज तो कह रहा था तुम घर पे थे. लेकिन आना पड़ा ना, सरकारी नौकरी जो है. अच्छा सुनो, तुम्हारे पेपर में पहले पेज पर कुछ जगह होगी? नो चांस बडी, नो चांस. द फर्स्ट पेज इज जस्ट रोलिंग ऑन. बस लास्ट मिनट न्यूज के ओवर प्रिंट के लिए सिर्फ 2 इंच कॉलम रखते हैं हम लोग. क्यों, क्या हुआ? उसमें एक न्यूज तो दे ही सकते हो. क्या? कि आईबी ने आज सुबह भरत बैंक के सारे सिक्योरिटीज अकाउंट को फ्रीज कर दिया और मिस्टर जगदीश देसाई के इंडिया वाइड ऑफिसर्स पर रेड डाली. पर कब? कैसे? वेल, दे आर ऑन देयर वे. जब तक तुम्हारा न्यूज़पेपर स्टैंड पे आएगा, मिस्टर जगदीश देसाई के सारे ऑफिसर्स सील हो चुके होंगे. ब्रावो, थैंक्स बर्नार्ड, थैंक्स वेरी मच इंडीड. बाय समीर, सी यू.